लाइव मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्याण महाजन और आप देख रहे हैं ब्राह्मणपुर जिले के दिन भर की टॉप 10 खबरें। लाइव मध्य प्रदेश पर आ रही है ब्रहानपुर से बड़ी खबर। नेपानगर विधानसभा के धूलकोट में भाजपा प्रत्याशी मंजू दादू के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। देखिए कार्यक्रम की लाइव झलकियों के साथ कि आखिर क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। लाइव मध्य प्रदेश पर एक खास रिपोर्ट। और एक बात सुन लो जो मेरे दिमाग में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और आज मैं कह रहा हूं अगला संकल्प आप भी सुन लें, हर परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। शासकीय नौकरी सीखो कमाओ स्वरोजगार की योजना, कोई ना कोई योजना से एक रोजगार तो देना है भाई, ताकि कोई सड़कों पे ना रहे और कोई भूखा ना सोए, ये संकल्प है हमारा। और इसलिए आज मैं आप सब से निवेदन करने आया हूं, आज देर हो गई, मेरी और भी सभाएं हैं। मेरे बहनों और भाइयों, हमेशा आपने प्यार दिया, इस धरती से हमेशा आशीर्वाद मिला। सुमित्रा बहन ने जो जो काम बताए थे हमने वो काम पूरे किए हैं। अंबा तालाब का होना है अभी, चिंता मत करना, वो भी होने वाला। सुमित्रा एक एक वचन पूरा करके देंगे, चिंता मत करना। और आगे बाकी भी जितनी चीजें आएगी विकास की, कांग्रेस कभी नहीं करेगी, हम ही करेंगे। बताओ आपको मामा पे विश्वास है? जोर से बताओ। तो अपन ही करेंगे। और इसलिए आपका आशीर्वाद बेटी मंजू दादू को मिले, सुमित्रा जी का आशीर्वाद भी है। हम सब मिलके इस बार मंजू को विधायक बनाएं, ताकि बाकी सारे काम हमारे पूरे हो सके। और इस बार रिकॉर्ड वोटों से जिताना भैया, मामा ने काम भी बहुत करे हैं यार। अरे भैया दूर रहो तो एक बार बता दो, दूर रहना मेरे भाई, कि हम तो साथ हैं उसके जिसने हमारा साथ दिया है। बोलो सही बात है कि नहीं? और इसलिए बुरहानपुर से और नेपानगर से दोनों सीटों से बेटी मंजू, बहन अर्चना जी और भारतीय जनता पार्टी को आपका प्यार और आपका आशीर्वाद मिले, यही मेरा निवेदन है। बोलिए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो आइए आज हम खड़े होके आप बताइए भैया, नंदू नंद कुमार चौहान जी के सुपुत्र में बगावत करके निर्दलीय फॉर्म भराए, क्या कहना? उन्होंने कहा कि कोई भी बोले हम मानेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में कितनी सीट आएगी? अब तक का ऐतिहासिक बहुमत रिकॉर्ड, नोट बहुमत।